दोस्तों अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है या हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है तो क्या हमें लैपटॉप में रैम अपग्रेड करना चाहिए या फिर एस क्योंकि मैंने अपने चैनल पे पता नहीं कितने सारे वीडियोस अभी तक बना रखे होंगे इन दोनों टॉपिक के लिए कि आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं अपग्रेड कैसे कर सकते हैं बट काफी लोगों को डाउट ये आता है कि भैया अपग्रेड करे तो पहले कौन सा करे तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे वैसे मैंने एक पोल रखा था बहुत दिन की बात है उसका रिजल्ट यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ तो काफी सारे का मानना है कुछ ऐसा जो कि आप देख सकते हैं अब चलो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना हर एक टेक्निकल प्रैक्टिकल और आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो का लाइक टारगेट है टू लाइक करके पार्क ज़रूर करा देना तो रैम या एस अपग्रेड करना है उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि जब आप लैपटॉप या सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो वर्क किस तरीके से करता है तो जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आता है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होता है या तो आपके एस में या तो हार्ड डिस्क में अब यहाँ पर अगर हार्ड डिस्क पे वो इंस्टॉल रहेगा तो जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क का रीड एंड राइट स्पीड थोड़ा स्लो होता है और थोड़ा नहीं यार वो पाँच गुना भी स्लो हो सकता है अगर आप नॉर्मल एस से कंपेयर करते हैं तो बूट टाइम आपका लैपटॉप या सिस्टम का थोड़ा स्लो हो जाएगा यही चीज़ वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर एस के अंदर इंस्टॉल्ड है तो रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसी की वजह से वो फास्ट आपका बूट हो करके आता है तो लैपटॉप को ऑन किया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आया जो कि हार्ड डिस्क या एस से आता है वहां पर आपका बूट टाइम मैटर कर जाता है बट एक बार जब सिस्टम ऑन हो जाता है सब कुछ रिफ्रेश होके आता है तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका रैम के ऊपर आ करके आपके रैम का कुछ पार्ट कंज्यूम करता है इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ जैसे ही हमने सिस्टम को ऑन किया आप देख सकते हैं हम यहाँ पर टास्क बार में जा करके अगर हम आपको दिखाते हैं जो टास्क मैनेजर है तो यहाँ पर से मोर ऑप्शन में जा परफॉर्मेंस टैब में आप जा करके देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से सिंपली आपने सिस्टम को ऑन किया ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के आया और इतना रैम यहाँ पर से कंज्यूम कर रहा है अब यहाँ पर जब क्वेश्चन निकल के आता है कि अब हमें रैम अपग्रेड करना है या एस तो बहुत सिंपल सा बात है अगर आपके लैपटॉप में दो जी रैम है या फोर जी रैम है तो सबसे पहले आपके पास हार्ड डिस्क हो एस हो छोटा हो बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है गो विथ रैम अपग्रेड तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बट यहाँ पर ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ नहीं होते क्योंकि उनको पता है या तो दो रैम रहेगा या चार रहेगा तो उसको तो हम अपग्रेड कर ही लेंगे फस्ता कहाँ पर है लोग जहाँ पर आठ जी रैम रहता है उनके सिस्टम में और ओवरऑल सिस्टम स्लो रहता है तो केस नंबर वन काफ़ी आसान था केस नंबर टू की बात करते हैं कि भैया हमारे पास आठ जी रैम है और एस नहीं है हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो क्या करना चाहिए तो यहाँ पर केवल दो क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपका काम कैसा है लेट सपोज़ आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं और अगर आप अपने जो मैंने आपको बताया ना रैम कैसे चेक करते हैं कितना कंज्यूम कर रहा है वहाँ पर अगर आप जा कर के देखते हैं लगभग तीन चार जी बी के अप्रॉक्स का स्पेस यूज़ हो जाता है और उसके बाद बच जाता है चार जी बी अब यहाँ पर आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पर फोर जी बी सफिशियट है जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वर्ड पर काम करना है क्रोम पे दो चार टैब ओपन कर लिया मोर देन सफिशियंट है या छोटे छोटे काम हैं तो उस केस में आठ जी बी रैम इज़ एनफ आप एस एस डी के लिए अपग्रेड कर सकते हैं बट सेम टाइम पे अगर आठ जी रैम है और हार्ड डिस्क वेरिएंट है आपके पास और अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पर अगेन रैम की कंजम्पन ज़्यादा होती है मतलब आठ जी रैम है तो यूजेबिलिटी तो थोड़ी कमी रहती है सेवन पॉइंट समथिंग रहता है मान के चलो नाइन्टी परसेंट नाइन्टी टू परसेंट ऑलरेडी वो कंज्यूम रहता है तीन चार ऐप ओपन करने के बाद लेट सपोज आपको फोटोशॉप या एडिटिंग का काम है तो उस केस में भैया आपको रैम अपग्रेड सबसे पहले करना चाहिए एस उसके बाद कर लो लेकिन सबसे पहले रैम अपग्रेड करना चाहिए तो केस टू में दो चीज़ हो जाता है कि आपका यूजेबिलिटी कैसा है उसके हिसाब से आपको देखना है केस थ्री अब मान के चलो भैया हमारे पास पैसे सब कुछ हैं सब कुछ हमें सही है यार मतलब कोई दिक्कत नहीं है रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं एस भी अपग्रेड कर सकते हैं तो इस केस में आई विल सजेस्ट कि हाँ एक ही बार में आप अपग्रेड कर लो अब यहाँ पर भी बात ऐसे ही आएगी कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क भी यूज हो सकता है एस भी यूज़ हो सकता है तो आई विल रिकमेंड कि एस को मेन स्लॉट में लगा लेना लेकिन कई सारे वीडियोज में मैंने आपको कैडी मेथड बताया है जहाँ पर हम खुद एस लगाते हैं तो वो सारा चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते फिर बाद में रिसफल भी कर सकते हो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे वीडियोस को जा करके फॉलो करना एक ऐसा वीडियो है मेरे चैनल पे जो कि हर एक चीज़ को डील करके आपको बता दिया है तो उस वीडियो को देखो हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा चाहे जा आपके पास एच का हो डेल का हो लिनोवो का हो कोई सा भी मॉडल हो ऑलमोस्ट हमने सारे मॉडल्स मतलब सारे ब्रांड्स को कवर किया है अपने चैनल के ऊपर वैसे आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलता है उसके बारे में बात करता हूँ काफी लोग बोलते हैं कि भैया डेल का ये मॉडल का अनबॉक्सिंग कर दो लेनोवो का ये मॉडल का अनबॉक्सिंग कर दो तो इस तरह के कमेंट मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलता है और मैं चाहता हूं कि वीडियो बनाऊ बट यार लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तो अगर मैं आपको ऑफर करूँ कोई भी लैपटॉप जो मैं अनबॉक्स करूँगा उसको मैं दो तीन हज़ार सस्ते में अगर आपको रीसेल सेल करूँ तो क्या आप बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताना क्योंकि मेरा वेबसाइट है नोट रिव्यू डॉट इन वहाँ पर ऑलरेडी मैं स्मार्टफोन को लिस्ट किया हूँ तो बहुत सारे स्मार्टफोन सेल हो चुके हैं और उसको बाय करके सेल करना भी आसान रहता है मेरे दूसरे चैनल टेक गाइड के थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने बाय किया है तो क्या आप लैपटॉप के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टेडेडेडेडेड होंगे या फिर नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताना अपने फीडबैक देना अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर लैपटॉप को बाय करके उसकी अनबॉक्सिंग करके वेबसाइट पे लिस्ट कर दूंगा ताकि आप उसको थोड़े सस्ते में खरीद सकते हैं सब कुछ सही रहेगा एमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बाय करेंगे बस वही है अनबॉक्स प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या आप इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं तो ये तीन केस तो आपने जान लिया हो सकता है आपके लिए थोड़ा मोड़ा और भी अलग केस हो सकता है लेट सपोज आपका एस कम है उसके ऊपर से आपको बढ़ाना है, तो बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं तो वो सब सेपरेट चीज है लेकिन ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दियाटा एस एस चीज आता है, आता है, आता है जिसके रीड एंड राइट स्पीड में बहुत ज्यादा का फर्क रहता है अभी के डेट में आप लैपटॉप खरीदोगे तो आपको एनवीएमएसडी बहुत सारे लैपटॉप्स में मिल जाएंगे तो वो सारा चीज़ है तो स्पीड मैटर करता है बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ अगर आप एस को देखते हैं वैसे कई सारे लोग पूछेंगे कि भैया हमारा हार्ड डिस्क है उससे हम एस में अपग्रेड कर लेंगे तो डेटा का नुकसान होगा या फिर नहीं तो नुकसान होता भी है नहीं भी होता है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो जा के देख सकते हैं और अगर आपको जानना है कि कितना टाइम से स्पीड हो सकता है एग्जिस्टिंग लैपटॉप का तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो है हमारे चैनल पे जा करके अपनी तरफ से रिसर्च कर लेना आपको हर एक चीज़ का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे सिमिलरली अगर आप रैम को देखते हैं तो रैम में भी आपका डी डी आर थ्री डी डी आर फोर डी डी आर मतलब अलग अलग डी डी आर के वर्जन आते हैं और सेम डी डी आर जैसे कि हमारे पास डी डी आर फोर का जो हमारे रैम था उसमें लगभग शायद बत्तीस सौ मेगा हच का भी फ्रीक्वेंसी वाला था यानी कि बेसिकली जो आपका स्पीड रहता है ना वो मैटर कर जाता है और डी डी आर का जो भी वर्जन होगा उससे पिंस मैटर करते हैं तो आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा पुराना है तो ऐसा नहीं है कि उसमें डी डी आर थ्री का रैम लगता है तो आप डी डी आर फोर ख़रीद करके लगा दोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है दूसरा मिसकंसेप्शन काफ़ी लोगों का होता है कि भैया हमारे लैपटॉप के अंदर एक सब पर्टिकुलर ब्रांड है जैसे लाइट सपोज़ सैमसंग का है या हाइनेक्स का है या कोई भी ब्रांड का है तो क्या हम उस पर किंगस्टन का या क्रूसीअल का लगा सकते हैं या फिर नहीं तो भैया जब तक आपका डी डी आर सेम है फ्रीकवेंसी आप मिनिमम उतना लो या उसके ऊपर लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है बस वही है कि फ्रीक्वेंसी कम मत लेना अदरवाइज फिर वो अंडर क्लॉक हो जाता है आई होप आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है वैसे रैम बाइंग गाइड एक ऑलरेडी है हमारे चैनल पे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स तो दे दिया लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने अपने लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड किया है तो मेरे पास एक एम का मॉडल है आई का वेरियंट है अब उस पर हम एडिटिंग करते हैं तो आठ रैम और पाँच सौ बारह एस के साथ वो लैपटॉप हमें मिला था तो उसमें हमने तुरंत जिस दिन अनबॉक्स किया था सेम डे हमने अपग्रेड कर दिया था उसपे फाइव जीबी का एक्स्ट्रा एस, एस डाल करके और साथ ही साथ उसमें मैंने सोलह जीबी का स्टिक लगाया है जो कि बत्तीस सौ फ्रिक्वेंसी के साथ आता है और हाँ वो उतना सपोर्ट नहीं करता है बट मैंने हायर फ्रिक्वेंसी का इसलिए लिया ताकि फ्यूचर प्रूफ रहूँ तो टोटल मेरे लैपटॉप में आठ प्लस सोलह यानी कि चौबीस जी का रैम और साथ ही साथ वन टी का एस है तो आप समझ सकते हो कि मैं जिस लेवल का, का काम करता हूँ उसके लिए इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से सफिशियंट है इसके ऊपर भी जा सकता हूँ दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे लैपटॉप में ज़्यादा रैम सपोर्टेड है तो उस तरीके से आपको देखना है और आप जो भी चीज़ अपग्रेड करने वाले हैं उसका थोड़ा रिसर्च ज़रूर कर लेना इंटरनेट पे गूगल पे देख लेना कि जो भी मॉडल आप यूज़ करते उस पर कितना जी तक रैम एक्सपैंड हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि मन किया भैया पैसे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो बत्तीस जी डाल दिए तो ऐसा नहीं होता है थोड़ी सी यहाँ पर लिमिटेशन भी होती है तो उस चीज़ का भी थोड़ा कदर करना यार तो इन शॉर्ट अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एस लगाना है या रैम लगाना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च जरूर कर लेना कि आपके लैपटॉप के अंदर कितना जी बी रैम है और इसको भी टेस्ट करना काफ़ी आसान है डायरेक्टली आप चाहो तो टास्क मैनेजर के अंदर ही जा करके चेक कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया परफॉर्मेंस टैब में आप जाओगे तो नीचे ही आपको दिख जाएगा कि कितने स्लॉट खाली है कौन सा वर्जन है सब कुछ दिखता है वैसे सॉफ्टवेयर भी आता है सीपी उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं तो बेसिकली रैम को एक बार फाइंड कर लोगे आप कि आपके लैपटॉप में कितना जी रैम है कितना स्लॉट खाली है आपके मदरबोर्ड में कितना सपोर्टेड है तो वही सारी चीज़ को कोई भी ब्रांड का आप परचेस कर लो दिक्कत नहीं आएगी बस वही है ध्यान रखना कि सेम डी होना चाहिए फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट जो दिया हुआ है लेट सपोज बत्तीस सौ मेंगा वैसे बत्तीस सौ वाला तो आज के डेट में नया हो गया लेकिन कई सारे लैपटॉप में मैंने देखा है जो छोटे वाले लैपटॉप होते हैं उसमें जनरली दो के नीचे वाला ही फ्रीकवेंसी का रहता है तो आप ऊपर भी जा सकते हैं दिक्कत नहीं होगा आप फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन डी वर्जन और फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट सेम लेना उसके ऊपर जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं होगा मैंने खुद अपने लैपटॉप में 2600 के अप्रॉस का सपोर्टेड था मैंने 3200 सौ मेगा हच का सोलह जी का रैम का स्टिक लगाया था आप मैंने दिखाया भी था आपको रीज़न बहुत सिंपल है क्योंकि रैम का प्राइस ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी अगर हम ज़्यादा भी लेते हैं तो फ्यूचर प्रूफ रहेगा उसको हम फिर निकाल करके दूसरे लैपटॉप में भी डाल सकते हैं और अगर वही फ्रीक्वेंसी का ले लेंगे और हमारा नया लैपटॉप जो आने वाले दो तीन साल के बाद उस उसमें हायर फ्रिक्वेंसी लगता होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी मतलब अंडर क्लॉक वाला सीन चलेगा तो वो सारा चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे वीडियोस को देखो आपको सब कुछ परफेक्टली पता चल जाएगा और जहाँ तक रही बात एस का तो एस एस में मैंने आपको बता दिया अलग अलग एन का वर्जन होता है उसके पिन के साइज़ अलग रहते हैं तो वो सारा चीज़ को थोड़ा सा आप देख लेना तो मैं सारी यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप चाहो तो जा करके रैम या एस बाय कर सकते हैं मेरे और भी वीडियोज़ को देख करके आप अपग्रेड का प्रोसेस पूरा सीख सकते हैं क्लोन करने का प्रोसेस सीख सकते हैं तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही लाइक करके जाना दो लाइक टारगेट था और चैनल पर नए होंगे पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट होगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना तो मैं हूं आपका दोस्त अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग